अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो जिसको नहीं अच्छा लगे वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बता दें। आपकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप बताएँ और आपकी मर्ज़ी से हम सब कुछ करेंगे। आप बताएँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी बता दें जो मतलब जो गलती बताई है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टिप्स एंड ट्रिक्स जो आ रहे हैं के पास टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आप भी अपने लिहाज से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बता दें, क्या करना चाहिए, कैसा ब्लॉग होना चाहिए, किस तरह का बनाना चाहिए, सब कुछ आप बता दें। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग था उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा बहुत दिया था, और जो मेरे दोस्त हैं उनके भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दिया था, लेकिन फुल इंट्रोडक्शन वगैरह जो है वो नहीं दिया था ना, मैंने अपने बारे में दिया था और दोस्तों के बारे में नहीं दिया था। तो अचानक से वो ब्लॉग बनाया था, उसमें अचानक से जाते जाते रास्ते में जाते जाते ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, और उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह तो सही सही नहीं दिया। इसमें मैंने सोचा कि पहले जो ब्लॉग अपलोड किया उसमें तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, इसमें मैंने सोचा कि दोबारा से इंट्रोडक्शन जो है इस ब्लॉग में अपना इंट्रोडक्शन वगैरह पेश कर लूँ अपने बारे में और अपने दोस्तों के बारे में, और जिधर मैं रहता हूँ मेरे गाँव प्यारा से गाँव में रिकॉर्ड जिधर रहता हूँ उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ आपको, मैं किधर रहता हूँ कहाँ क्या करता हूँ क्या नहीं करता क्या करता हूँ मतलब सब कुछ, और जो मेरे दोस्त हैं वो क्या करते हैं वो भी आपको बता दूँ। मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में मैं अपने इंट्रोडक्शन वगैरह आपको दे दूँ। और हम तो इधर अभी चार दोस्त हैं, एक दोस्त था ब्रेम साहब वो तो चला गया, उसके इंट्रोडक्शन भी हम देंगे आपको, क्या लगते हैं क्या सब कुछ आपको बताएंगे। और अभी इनका मैं अपने जो दोस्त हैं उनके भी आपको इंट्रोडक्शन करा दूँगा और अपना इंट्रोडक्शन भी दूँगा, और चलें सब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह। मेरा नाम अब्दुल्लाम है और मेरा निक नेम जो है वो अब्दुल्ला है, फेसबुक वगैरह भी सब पे भी अब्दुल्ला है, और मैं बालाकोट के ज़िला मानसरा के तहसील जो बालाकोट है उसके में छोटा सा गांव है हमारा नकोट, मैं उधर रहता हूँ, और ये हम सब जो हैं वो भी इधर नकोट में ही रहते हैं। और मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसर में पढ़ता हूँ, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता हूँ, और बस यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और जो हो आगे भी हो तो वो आपको बताएंगे। और अभी इनका जो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपको बताता हूँ। ताजी खोकर जो उस दिन मैंने बोला था ताजी खोकर, और इसका नेम ओरिजिनल नेम है फुरकान अली और फुरकान अली माशाल्लाह से जी डी सी एसआई सामने कॉलेज है, और इधर पढ़ता था एफएससी किस में की है भाई, कंप्यूटर साइंस में माशाल्लाह, और अभी ये साथ में करते हैं बीएस बी फार्मेसी भी करते हैं माशाल्लाह, साथ में कंप्यूटर साइंस भी कर रहे हैं और साथ में माशाल्लाह दो फील्ड है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा दो फील्ड है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। ये हमारा वसीम बदामी जो रेंज तो वसीम बदामी तो नहीं है, हमारा बदामी है, और इसका इंट्रोडक्शन में ये है कि एफ एस सी कर रहा है, एफ एस सी मेडिकल में कर रहा है, और इसी कॉलेज में कर रहा है, ये जो सामने कॉलेज है जी डी सी कॉलेज, ये इसमें तो सही है शो नहीं हो रहा है ये कॉलेज है, और इधर पढ़ते ये भी, और इसका और इंट्रोडक्शन में तो कुछ भी नहीं है, ये भी हमारा कज़न है, सब आपस में कज़न लगते हैं। और ये आ गया हमारा अली भाई, अली भाई भी ये एफ एस सी करते हैं माशाल्लाह से, इसका नाम जैन अली है, और ये भी माशाल्लाह से इसी कॉलेज में, क्या कर रहे हो आप भाई? क्या मैं नहीं की माशाल्लाह। और अच्छा आप अपने बारे में बताएं क्या कर रहे हैं अभी आप? माशाल्लाह बड़ा अच्छा फील्ड है, सिंगल विकेट का चैलेंज करते हो तो ये देख लें, ये अभी विकेट में, ये आप खान इलेवन की विकेट आप अभी से देख लें, ये खान इलेवन की हमारी टीम है, हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर कोई भाई सिंगल विकेट खुशमंद हो तो आप आ सकते हैं। अरे माशाल्लाह ये छोटा सा बच्चा है लेकिन माशाल्लाह से क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, ओपन चैलेंज ये देखें, ये वसीम बदामी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, आप भी सामने हो जाओ भाई माशाल्लाह, इसकी जो बहुत प्यारा खेलते हैं बहुत जबरदस्त, और ये ताजी खोकर भी माशाल्लाह से, और ये मैं भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेलता होता था, हार्ड हिटर होता हूँ मैं कभी कभी। तो हमारा जो छोटा सा इंट्रोडक्शन वगैरह था वो तो हमने बता दिया, और हमारी भी जो एक हमारा एक दोस्त था प्यारा सा दोस्त था माशाल्लाह इब्राहिम साहब, वो उस दिन भी बोला था हमने दिखाया अभी आपको, वो तो नहीं है हमारी भी जो वो चले गए लाहौर, वापस चले गए, वो लाहौर में रहते हैं, क्या हुआ है वो? वो तो लाहौर चले गए, और अभी उसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी हम ही देंगे, और माशाल्लाह से ये इधर से स्टार्ट करते हैं अभी आपको, ये इब्राहिम साहब को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे दो भाई। इब्राहिम भाई माशाल्लाह हमारी जान है, हम पांच दोस्त जो है हमने बहुत इन्जॉय किया इस दफ़ा इब्राहिम भाई के साथ, जो इस बार लाहौर चले गए अभी, और उनके कॉलेज का मसला था इस वजह से वो लाहौर चले गए, लेकिन हमने उन्हें बहुत मिस किया इस वजह से इब्राहिम भाई। और इब्राहिम साहब जो है हमारी वो बता दिए इन्होंने कि जान है हमारी वो तो हैं ही है, और वो माशाल्लाह से वो पढ़ते हैं मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक किया उन्होंने इस बार, और माशाल्लाह से पास भी हो गए हैं, और अभी उनके कॉलेज का मसला था,
और अभी उनके काली का मसला था वो तो उस वजह से चले गए, वरना इधर हमारे साथ इधर इस ब्लॉग में भी होते। और अभी उसका जो इंट्रोडक्शन वगैरह था वो भी यही है, और जो हमारा जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो हमने बता दिया आपको, और इब्राहिम साहब का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो भी आपको बता दिया, और हमने अपने चारों का भी इंट्रोडक्शन वगैरह आपको बता दिया। अभी आपको नौकोट का जो व्यू है आपको वो भी थोड़ा बहुत बताऊँगा, दिखाऊँगा भी और साथ में दिखाऊँगा भी। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा गाँव है हमारा, और इसमें व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, और आपको दिखाते हैं। नकोट के साइड एरिया में आए हुए थे टालियाँ जिसका नए में, और अभी इधर से हम अपने गांव में जाएंगे, मतलब ये भी हमारा गांव ही है, और इधर से अभी जाएंगे, अभी गांव का जो व्यू है वो आपको बताएंगे दिखाएंगे। आपको जो नकोट का जो साइड व्यू है वो आपको दिखाते हैं, और ये देखें आप माशाल्लाह से, ये अभी हम जो नकोट है उसके सेंटर में आ गए हैं, और अभी इस दृश्य आप इसका व्यू देखें। छोटा सा इंट्रोडक्शन और हमारे गांव का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन वो तो आपको बता दिया मैंने, और उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह था वो आपको अच्छा लगा होगा, अगर और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो सेकंड व्लॉग था वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए, और क्या हाँ। और अभी आप अली भाई ने भी बताया कि कमेंट में आप बता दें कि कौन सी गलती है, क्या गलती है, हम क्या गलती करते हैं, सब कुछ आप बता दें कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप वो जो कमी आप बताएंगे वो हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी तरफ से अभी अल्लाह हाफिज़।